गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्लास फिफ्थ लेसन नंबर सिक्स. आज हम लेसन नंबर सिक्स के अंदर आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे यूज क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सिंपल टेम्पलेट्स, कि आपको सिंपल टेम्पलेट को किस तरह क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, सिंपल टेम्पलेट्स को आज हम उसके बारे में आज हम आपको प्रैक्टिकली आपको शो करके आपको दिखाएंगे. आपको पता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर पावर पॉइंट को सबसे पहले आपको किस तरह ओपन करना है. इससे पहले वाला क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि आपको एमएस पावर पॉइंट 2010 को किस तरह स्टार्ट करना है. स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 था वहां पे क्लिक करके आप इस विंडो को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं. ओपन करने के बाद ठीक है ना, आपके इस विंडो के बारे में हमने आपको सारा पार्ट्स के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था. तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें है क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सिंपल टेम्पलेट्स. सिंपल टेम्पलेट को हम किस तरह यूज करें प्रेजेंटेशन के ऊपर उसके बारे में आज हम आपको क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना. तो सिंपल टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है किसके अंदर है, फाइल टैब के अंदर आपको जाना है. सबसे पहले फाइल टैब पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है किसके ऊपर, न्यू पे आपको क्लिक करना है. न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल टेम्पलेट्स पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है. सिंपल टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है. इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट्स आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं उस स्लाइड को आप क्या कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल टेम्पलेट्स को क्या क्या सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना. इस क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करके क्या करना है, क्रिएट करना है. इसमें जब आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके इस प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या हो जाता है, आपको वहां पे आपको सिंपल टेम्पलेट्स क्या हो जाते हैं आपके वहां पे प्रेजेंट होकर आपको जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपके स्लाइड के ऊपर क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट होकर आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना. अगर आप इसको चेंज करके अगर आप दूसरे लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दूसरे भी आप लगाना चाहते हो, यहां से आप इसको चेंज करके यहाँ पे जाके आप न्यू करके यहां से सिंपल टेम्पलेट्स, तो सिंपल टेम्पलेट्स के बाद आप यहां से अगर कोई दूसरा टेम्पलेट अगर आप जो बुक में लगा हुआ वो टेम्पलेट लगाना चाहते हो तो सिलेक्ट हमने किया. इसके बाद यहां से आपको क्या करना है, क्रिएट करना है. क्रिएट करने के बाद ये आपको इस तरह आपको शो करके आपको दिखाई देगा, ठीक है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल टेम्पलेट्स कहते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी वो सिंपल टेम्पलेट्स ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होते हैं, उन सिंपल टेम्पलेट्स को हम क्या कर सकते हैं यूज कर यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना. मे बी होप आप लोगों को समझ में होगा कि सिंपल टेम्पलेट्स को हमने आपको थ्योरेटिकल स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया था. आज हम आपको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको शो करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना. तो मे बी होप अगर आपके पास अपना कोई भी पर्सनल सिस्टम है तो आप अपने पर्सनल सिस्टम को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, वहां पर क्रिएट कर सकते हैं इसको, प्रैक्टिकल को आप कर सकते हैं. अगर जिसके पास प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं है तो इस वीडियो को कम से कम आप दो बार लिख के इसके बाद आप अपने कॉपी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर हमें इस सेटअप को अगर हमें क्रिएट करना होगा सिस्टम के ऊपर तो हमें किस तरह करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पेंसिल को उठा के आप अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, सेटअप ऐसे करते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने एमएस पावर पॉइंट को ओपन किया वहां पे, इसके बाद हमने क्या किया वहां पे फाइल टैब पे क्लिक किया, इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक किया, इसके बाद हमने क्या किया सिंपल टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, इसके बाद हमने वहां से क्रिएट पे क्लिक किया. सिंपल टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद वहां से हमने कोई भी टेम्पलेट को क्या किया, चूज कर लिया. चूज करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना. क्रिएट पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो अप्लाई होके यूज क्रिएट होके कहां पे जाता है, प्रेजेंटेशन के ऊपर वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना. इसको कहते हैं क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सिंपल टेम्पलेट. और प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं किसको यूज करके, सिंपल टेम्पलेट को यूज करके हम कोई भी प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना. इसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सिंपल टेम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है. मे बी वो आप लोगों को समझ में आएगा. तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है यहाँ पे खत्म हो जाता है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.